काजा जो लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र का एक पार्ट है, वहाँ पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी, हमारी मंडी संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी सुश्री कंगना रनौत जी और लाहौल स्पीति के हमारे प्रत्याशी विधानसभा के श्री रवि ठाकुर जी, उनकी आज जनसभा काजा में थी, जिसकी इलेक्शन अथॉरिटीज से जो काजा में हैं पुलिस या सिविलियन अथॉरिटी से परमिशन बाकायदा ली गई थी। लेकिन वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं, वो SDM होगा, ADM होगा या पुलिस की अथॉरिटीज़ होंगी, उन्होंने साइमल्टेनियसली कांग्रेस को भी वहीं पर उसी वेन्यू के साथ जो है वो सभा करने की परमिशन दे दी, और एक ही टाइम पर जो है वो परमिशन दे दी, जो कि जानबूझ करके गवर्नमेंट, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की है, इसलिए उन अधिकारियों ने उस प्रेशर में आकर के जो है वो परमिशन दी होगी, जो हम एज्यूम करते हैं। जब वो सभा जो है वो उसमें जनसभा जिसकी परमिशन ली गई थी BJP की, कांग्रेस के लोगों ने उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट की, उसमें जो है वो मीटिंग ठीक से होने नहीं दी। फिर जब वहां से चले, काकेट चला ठाकुर जयराम जी का और बाकी लोगों का, उसके ऊपर पथराव किया, मारपीट की, जिसमें एक हमारे कार्यकर्ता जो है वो जख्मी हो गए हैं, उनको उनका फ्रैक्चर हो गया है, और 2-3 अन्य कार्यकर्ताओं को जो है वो चोटें आई हैं। गालियां तो जो है उसका कोई आप हिसाब नहीं लगा सकते, जो अगर वहां का वीडियो आप देखेंगे तो कोई सुन नहीं सकेगा उनको सामने देखेंगे, और वो जानबूझ करके जो है उन्होंने इस प्रकार की जो है वो हरकत जो है वो कांग्रेस ने की है, क्योंकि वो बौखला गए हैं, चुनाव में बुरी तरह से हार रहे हैं, 4 की 4 संसदीय क्षेत्रों में भी और 6 के 6 विधानसभा क्षेत्रों में भी, इसलिए इस प्रकार की हरकतें करने की नाकाम आप जो है कोशिशें कर रहे हैं, और उसके साथ जो है कुछ लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं वो अंडर प्रेशर या उनके साथ मिलकर के जो है वो इस प्रकार की गतिविधियों को शेयर दे रहे हैं। वरना जहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो परमिशन मिलती है कोई भी एक्टिविटी करने की, आपकी जनसभा करने की या प्रदर्शन करने की, दूसरी पार्टी को वहां पर परमिशन साइमल्टेनियसली नहीं दी जाती। ये हम रोजाना जो है TV चैनल्स पर देखते हैं सारे देश भर में, और ये एक पॉलिटिकल नॉर्म ही नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शंस भी हैं। और हमने आज इसी बात को लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री डॉक्टर राजीव बिंदल जी के निर्देश पर, क्योंकि उनको सारी जो है सूचना वहाँ से प्राप्त हुई, हमने मेमोरेंडम जो है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हिमाचल प्रदेश को दिया है, और हमने साथ ही साथ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी जो है वो मेमोरेंडम भेजा है, और हमने ये बाकायदा आज मेरे साथ हमारे लीगल सेल के कन्वीनर जो हैं श्री अंशुल बंसल जी और हमारे लीगल सेल के ही कार्यकर्ता एडवोकेट श्री विवेक शर्मा जी और हमारे मीडिया के प्रभारी श्री करण नंदा जी, हम जो है आज मेमोरेंडम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को दे के आए हैं, उनसे आग्रह किया है कि इस घटना की जांच करके और जिन लोगों ने इस प्रकार की परमिशन दी है और इस प्रकार की हरकत की है उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार का मेमोरेंडम जो है वो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है उनको भी भेजा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, हिमाचल प्रदेश में जो है इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती हैं, और खास करके लाहौल स्पीति जैसे एरिया में जो ट्राइबल एरिया है उसमें जो है इस प्रकार की कोई ओछी हरकत करें तो ये दर्शाता है कि जो वर्तमान प्रदेश सरकार है कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में, वो सब स्थानों पर हार रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की हरकतें करके जो है कुछ ना कुछ जो है वो अंडरगल बातचीत करके, गालियां दे करके, इस प्रकार का पथराव करके या एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशराइज करके जो है इस प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, इस पर जो है वो तुरंत कार्रवाई की जाए।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल डॉट